चक्रवादी भी चक्रवादी इस आगे चढ़ा हो गया ये जाट जाट आनी सारे जाओगे अंदर। अच्छा जो सन गद्दारी करी है। अच्छा सब बच्चे से गारे जाट थोड़ी है तेरे तो भीतर भेज दियो जट्टा का बाप हूं तो। अच्छा फिर जट्टा बाप को करे भैया। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ग्राउंड मीडिया की टीम मौजूद है इस टाइम सफेदो मंडल के गांव सिंघाना में, जहां विधानसभा के चुनावी सर्वे को लेकर हमारी टीम हर जगह हर गांव में पहुंच रही है, हर फील्ड में पहुंच रही है। आइए हम यहां बात करेंगे लोगों से कि विधानसभा जो चुनाव आने वाला है हरियाणा के अंदर अक्टूबर में, उसमें किस तरह की लोगों की जो मतलब प्रतिक्रिया है उसके बारे में जानना चाहेंगे। ताऊ जी क्या नाम है आपका? सोमदत्त शर्मा जी। सोमदत्त शर्मा, ताऊ जी बता दे वोट किने देगा पहले तो? बचन सिंह आर्या जी को। और भी तो कैंडिडेट हैं भाई, सबसे विकास करवाने वाले, रोजगार दाता, सबसे मिलनसार, सफेदो हल्के में इसके बराबर का तो कोई नेता है नहीं। अरे बचन सिंह करोगे टिकट ही ना मिले फिर क्या करोगे? टिकट नहीं मिलेगी तो बीजेपी को वोट देंगे फिर बचना कटा जाओगा? बचन सिंह को टिकट मिलेगी, अगर टिकट नहीं को पक्का थोड़ी है। अगर चलो भाई जी अगर टिकट नहीं मिलती फिर क्या करोगे? टिकट नहीं मिलती तो फिर बीजेपी को देंगे। आई हुई ना बात, सीधी बात बताओ। हाँ जी आप चलो सारे बोल लेंगे, किसको वोट दोगे? हम तो जी बचन सिंह आर्य को देंगे। बचन सिंह आर्य को, उसमें ऐसी क्या खास बात है? खास बात क्या, सफेदो हल्के का बढ़िया नेता, अच्छा ईमानदार है। अगर टिकट नहीं मिली फिर क्या करोगे? टिकट मिलेगी, टिकट नहीं मिलेगी तो फिर भी बचने के साथ है। टिकट नहीं मिली फिर भी वोट दोगे? फिर भी देंगे। आप किसको दोगे टिकट? बीजेपी को जी। हाँ सॉरी, वोट किसको दोगे? बीजेपी को। बीजेपी में ऐसी क्या खास बात है? काम कर रही है जी, बढ़िया काम कर रही है। है? काम बढ़िया कर रही है। और किसको विधायक पसंद करते हो? सफेदो का विधायक कौन होना चाहिए? बचन सिंह आर्य। और टिकट नहीं मिली तो फिर? फिर भी उसको दे देंगे। आजाद लड़ेंगे पक्का पता है? मैं तो कहूँ मैं आजाद नहीं लड़ूंगा, साथ दूंगा कैंडिडेट का। आपको कैसे पता? पता है जी हमने, साथ रहा। चलो ठीक है ये भी सुन। हाँ जी ये अक्सर पंच हमारे साथ देवेंद्र सिंह सिंघाना के, क्या स्थिति रहने वाली विधानसभा चुनाव में? किसको वोट दोगे, किसको बनाओगे, किसकी सरकार लाओगे? बीजेपी की सरकार आओगी जी। अच्छा बिल्कुल। विधायक किसको देखना चाहते हो? बचन सिंह आर्य को। टिकट नहीं मिली फिर? वो उसकी मर्जी है जी, जिसको नहीं, नहीं अगर टिकट आप कह रहे बीजेपी को देगा टिकट, आपने विधायक उनको देखना चाहते हो, बचन सिंह आर्य को देखना, अगर उनको टिकट ना मिली फिर क्या करोगे? अगर नहीं टिकट मिलेगी संगठन में काम करेंगे तो संगठन के साथ करेंगे, अगर आजाद लड़ेंगे तो उनके साथ फिर खड़े हैं हम तो। आजाद लड़ेंगे फिर वोट उनको दोगे? हाँ बिल्कुल उनको देंगे फिर तो। अभी तो कह रहे बीजेपी को? नहीं बीजेपी को देंगे मान ले, अगर नहीं देंगे। अगर टिकट बचन सिंह आर्य को नहीं मिलती फिर क्या करोगे? फिर किसको वोट दोगे? जहाँ बचन सिंह आर्य कहेंगे संगठन में काम करेंगे तो संगठन के साथ रहेंगे, अगर आजाद इलेक्शन लड़ेंगे तो आजाद उनके साथ खड़े, फिर वोट फिर किसको दोगे? फिर बचन सिंह को। चलो ठीक है। हाँ जी आप किसको वोट दोगे इस बार विधानसभा चुनाव में, किसको MLA देखना चाहते हो? भाई साहब हमारी तो एक के पार्टी है, एक के नेता है, वो है चौधरी बचन सिंह आर्य। अगर टिकट नहीं मिलती उनको फिर? जो वो आदेश करेंगे उसे मानेंगे। आदेश वो क्या करेंगे? आप अपना भी तो फैसला सुनाओ ना। हमारा उनका फैसला हमारा फैसला है, क्योंकि काम कराए गांव में, वहाँ हमारे गांव में लड़कियों का स्कूल 8वीं का था, वो 10वीं का अपग्रेड कराया, फिर 10वीं का था, फिर वो +2 का अपग्रेड कराया, 97 लाख रुपये एक बार में 13 गलियों और प्लाटियों के रुपये दिए, चपाड़े बनवाए, उन्होंने काम किया हम उसके साथ। कितना संतुष्ट हो गाँव के विकास से? हम उनसे 100% संतुष्ट है, बिना बने भी उन्होंने काम करवाए। एक और हमारे साथ मौजूद हैं भाई साहब, क्या नाम है? सुरेंद्र राणा। सुरेंद्र राणा जी टिकट वो सॉरी वोट किसको दोगे? बचन सिंह आर्य को। अगर टिकट नहीं मिलती फिर क्या करोगे? टिकट नहीं मिलती तो उनके हिसाब से चलेंगे, जैसे वो चलाएंगे वैसे चलेंगे, उन्हीं के साथ हैं हम तो जी। अभी तो कह रहे थे बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी को नहीं कहा मैंने, बचन सिंह आर्य को कहा है जी। अगर टिकट नहीं मिलती फिर क्या करोगे? टिकट नहीं मिलती तो जैसे वो आदेश करेंगे उन्हीं के साथ है। भाई साहब इधर घुमाइए एक बार, आप भी बता दो। बचन सिंह के साथ हैं जी? बचन सिंह के साथ चौधरी। अगर टिकट नहीं मिलती उनको फिर? उनके साथ हैं जी, जो आदेश करेंगे जिस तरफ भी करेंगे उसी साइड हम। अच्छा। हाँ जी। की और भी तो पार्टियां हैं? और पार्टी नहीं जी, हम किसी ने जानते, हम सिर्फ चौधरी बचन सिंह ने जाना, वही पार्टी वही सरकार वही सब कुछ है जी हमारा तो। ठीक है। हाँ भाई आप किसको वोट दोगे, किसको विधायक देखना चाहते हो? बीजेपी को देंगे वोट और बचन सिंह आर्य को विधायक देखना चाहते हैं। बीजेपी को वोट, अगर उनको टिकट नहीं मिली फिर? टिकट नहीं मिली तो संगठन से लड़ेंगे, तो बचन सिंह आर्य के साथ हैं। कौन से संगठन से लड़ेंगे? उसकी मर्जी है, जो जहां से लड़ेंगे वहीं उनके साथ ही हैं। अच्छा फिर भी उन्हीं के साथ हो। ताऊ जी आप किसको वोट देगो, किसको विधायक देखना चाहते हो? बचन सिंह आर्य को। बचन सिंह आर्य को, ऐसी क्या खास बात है उनमें? बड़ी आदमी है, सफेदो का बड़ी आदमी है,
सबको लेकर चल रहा है। अच्छा, अगर टिकट नहीं मिलती बच्चन सिंह आर्य को फिर तो उसकी मर्जी है, जिस तरह वो चलाओगे उस तरह चल जाएंगे। टिकट नहीं मिली तो फिर भी उनके आदेश का पालन करोगे? बहुत बढ़िया। यहाँ कुछ युवा साथी हैं, उनसे बात करेंगे हम। भाई साहब युवा हो, कोई बात नहीं, बता दो आप भी। ना ना ना, अब अच्छा किसको वोट दोगे भाई साहब, किसको विधायक देखना चाहते हो? बच्चन सिंह आर्य को। ऐसी क्या खास बात है? बस सारी खासियत बात है उसमें तो भाई, सारी खास। अगर टिकट नहीं मिली तो फिर भी बच्चन सिंह आर्य के साथ? फिर भी उनके साथ हो? आप भी बता दो क्या कह रहे हो। बच्चन सिंह आर्य के साथ है। अगर टिकट नहीं मिलती तो फिर भी उनके साथ हो? पक्की बात है? पक्की। जो सारे बचने के भगत हैं भाई, बच्चन सिंह आर्य है। बच्चन सिंह आर्य है भाई, बच्चन सिंह आर्य ही क्यों? बस और भी तो कैंडिडेट है ना, अपना तो वही है। कैसी क्या खास बात है? विधायक किसको देखना चाहता है? बच्चन सिंह आर्य को टिकट ना मिली फिर क्या करोगे? मिलो या ना मिलो उसके साथ बच्चन सिंह आर्य। बच्चन सिंह के साथ क्या कहोगे आप? क्या कहोगे बच्चन सिंह आर्य? अगर टिकट नहीं मिली फिर क्या करोगे? फिर बच्चन सिंह आर्य के साथ। बच्चन फिर भी उसके बाद भी? भाई साहब आप भी बता दो, बैठ जाओ। आपके थोड़े देर भाई मोदी ने वोट देवांगे, मोदी को वोट दे दे। सबसे बढ़िया जवाब, सारे सबसे अलग जवाब दे दिया भाई। मोदी को वोट क्यों दोगे? और भी तो पार्टियां हैं। मोदी ने 370 तोड़ी है, 35 तोड़ी है, इन्होंने बहुत हिंदुओं के लिए बहुत कुछ किया है। और क्या ये भी इन पार्टी बाजियों के साथ लग लग के जो बड़ा मगरमच्छ साथ रहना चाहिए नहीं, जो अच्छा काम कर रहा है। बड़ा मगरमच्छ कौन है? मोदी। मगरमच्छ थोड़े देशभक्त कहते हैं उसको तो लोग, जो जिसको झपटता है एक मिनट में पकड़ता है, मगरमच्छ की तरह एक मिनट में खींच लेता है। जो आतंकवादी गुंडे जो मगरमच्छ एकदम खींचता है, एकदम सामने मारता फेंक के, आजा भाई जो बुरे काम कर रहे हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम कर रहा है, उन्होंने गरीबों की सहायता कर रहा है, नौजवानों की सहायता कर रहा है, किसका ने किया, किसका सबका भला किया। चलो आप मोदी को वोट देंगे, ये बताओ सफेदों विधानसभा से किसको विधायक देखना चाहते हो? कोई नया चेहरा है। नया चेहरा है? वो नया चेहरा कौन है आपकी समझ का? नया चेहरा कौन है जो नया चेहरा विधायक बनना चाहिए? हम भी देखने लग रहे हैं, आप भी देखने लग रहे हैं कौन आएगा। नहीं नहीं, आपने कहा ना भी नया चेहरा होना चाहिए, एक आदमी की चॉइस होती है, हर आदमी एक दूसरे को पसंद करता है। आप विधायक के रूप में सफेदों का जो विधायक होगा किसके किसको देखना चाहते हैं? बीजेपी जिसको टिकट देगा उसी को हमारे सोचने का दिए कोई नया चेहरा आएगा। अच्छा, पक्की बात है? पक्की बात है भी, जो बीजेपी की टिकट लेके आएगा उसको वोट दो? बिल्कुल उसके साथ है। यही बात है, यही बात है, बिल्कुल यही है। तो यहाँ देखा आपने सफेदों के सिंघाना गाँव में लोगों का एक ही जो बात है कि बीजेपी को वोट देंगे, बीजेपी को देंगे। और अगर टिकट बच्चन सिंह आर्य को नहीं मिलती, काफ़ी लोगों ने ये कहा कि तब भी उनके साथ रहेंगे। भाई साहब आप क्या कहना चाहोगे? आर्य को टिकट मिलेगी तो पक्का बनेगा बीजेपी तो। अगर आर्य साहब को टिकट नहीं मिलती फिर क्या करोगे? फिर भी दे देंगे वोट, हमारा पुराना है, हमारा पुराना है। नहीं, अगर टिकट ही नहीं मिलती तो फिर क्या करोगे? बीजेपी को वोट देंगे, बीजेपी को। हाँ, आप कह रहे हो बच्चन सिंह आर्य टिकट लेके, आपको कैसे पता टिकट लेके आएंगे? टिकट के लिए जमा कसूतर उड़ रहा है भैया, मिलेगी वो गनियर है, वो फिर भी लिया होगा। आपने क्यों करवाया टिकट मिलेगी? न्यू कर लिया होगा, चलेगी सरकार थी उसकी है? चलेगी, वो नहीं देगा और उसके भाई देने वाले बतेरे खड़े हैं। कौन नहीं देगा? अगर मोदी नहीं टिकट देगा है कांग्रेस देगी। अच्छा, और नहीं तो साला का वो मायावती देवेगी उस तरह। अच्छा। फिर उसकी वोट दे देंगे। बढ़िया आदमी, इसके लिए करेंगे बात भाई, आदमी ये आदमी सही है। अच्छा एक बात और बताओ भाई, क्या नाम अपना? ब्रह्मपाल। ब्रह्मपाल, ब्रह्मपाल जी ये बताओ, जो एक आदमी की पसंद होती है अपनी, आपकी अपनी सोच, आपकी व्यक्तिगत सोच है जो, आपकी अपनी व्यक्तिगत पसंद है जो, आप इस बार सफेदों का किसको एमएलए देखना चाहते हो? देखो ऊपर जो मैंने सियाने आदमी लगे जहाँ पूछ लिया, आज सबसे बड़ी आदमी लगे, सही जवाब दिया। नहीं बता दे, एक पसंद होती है, किसको विधायक देखना चाहते हो आप? शर्मा है ना चोरिया की डाल, अगर नहीं तो छोरी हाथ में टकाया करें, मेरे इतना की शर्मा लग रहा है। टिकट से आवा है नहीं आर्य ने, तो आर्य की वोट देवेंगे हम तो सारे। अगर टिकट थे नहीं थे फिर? नहीं थे तो फिर भी उसके गिल्लो ही चल रहे हैं। अच्छा, सदा तय। अभी तो कह रहे थे कांग्रेस भी टिकट दे देगी, बस कांग्रेस छोड़ दी बच्चन सिंह आर्य ने? छोड़ दी। और मेरा नहीं ना कद की छोड़ दी, 28 साल रह के कांग्रेस में छोड़ दी, इन तो बीजेपी में। बीजेपी है फिर पक्का बनेगा बीजेपी, बस पक्का भी नाम लिया था। मायावती भी टिकट, मायावती की बात चल रही उनकी, मायावती देवगी टिकट उसने पर कौन कड़ा नहीं, बच्चन सिंह आर्य की बात चल रही है, बच्चन सिंह आर्य की बात चल रही है मायावती की टिकट को लेके। हल्के का नेता है, बड़ी आदमी है। नहीं वो तो ठीक है, अभी आपने कहा ना बसपा को मिलेगी, बसपा की टिकट मिलेगी, मैं ये पूछ रही मायावती के लिए बात चल रही है उसकी? वो तो इस आदमी है कि बिना टिकट के भी बन जाएगा। अच्छा, बिना टिकट के रेल में कोई नहीं बैठने देता,
बिना टिकट के तो रेल और बस में कोई नहीं बैठने देता टिकट को। रेल में बैठने वाले आदमी को या तो एमएलए की टिकट है, गाड़ी चला उनके में रेल में नहीं बैठते, रेल बिना टिकट के चलेगा? हाँ, विदाउट चलेगा। अच्छा, बच्चन सिंह विदाउट चलेगा बिना टिकट के? कमाल कर दिया भाई उनका, बिना विदाउट चलते बच्चन सिंह। अरे विदाउट चल दे पकड़ेगा फिर क्या करेगा भाई? पकड़ेगा सरकार उनकी, के ओड़ा भी खाना फ्री है। अच्छा, हाँ, यानी भी उत्तर करवाने की तैयारी है अभी वो जगह, उसके भाग होंगे तो बड़े बड़े जान लगे रहे वो चौटाला चले गए, के कर लिया किसी ने बहुत घुसता पाया भाई। ईव हुड्डा का नंबर है, बाप हूँ तो। फिर जाटा का बाप कुकर है भैया, वो हल्के में तप रहा है। नहीं आपने कहा जाटा का बाप है न्यू कुकर भाई, उसकी चाल है। हाँ, अच्छा। वो समझदा नहीं किसी ने जाट नहीं, किसी ने गुज्जर है ना, गुज्जर तो उजड़ भले, उजड़ तो उजाड़, ये तो उजाड़ में भी राजी, उजड़न में भी। अच्छा, और बसन में सब ताकत रोरा ने बसा दे, आप भी बसे रहो। के नाम बता देना अपना? ब्रह्मपाल। ब्रह्मपाल बहुत बढ़िया, तो ब्रह्मपाल और ज्ञान भी ब्रह्म जैसा, नाम भी ब्रह्मपाल और ज्ञान भी ब्रह्म जैसा, बहुत बढ़िया। अच्छा, इतना तो बता दे बात बता, तुम्हारा इंटरव्यू लेना है तो अपनी तो बता दे, किसने देगा अपनी तो बता दे। मैं मैं तो तुम्हारी इतना बढ़िया लग गया आदमी, जहाँ कहोगा ना तेरे कहे तो मेरा नंबर ले लिए, और मेरे कहे जहाँ तू कहोगा ना ओडिये वोट दे दो, ये पक्की गारंटी तेरे भाई सुना ही है, मेरा नंबर ले ले जिस टाइम चुनाव ना 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 मैं नो कहो तने मेरे पूछने मैं वोट किने दूंगा। मैं तेरे से इतना प्रभावित हूँ कि जहाँ मेरा भाई पलका होगा ना मैं इस बार ओडिये वोट दे दो, बता किसने दूँ। मोदी ने बना लियो, इसे की पार्टी ने बना लियो वोट का, इसे की पार्टी ने कोई आ जाते टिकट लेके। अच्छा, अच्छा मेरे कंधे तो आ जाते, तेरी टिकट आएगी ना, तेरी तो वोट पक्की देख लिए पक्की ट्रॉमिस। और बाकी गांव क्या की? गांव क्या की भी किसान करा के दिवाओगे अपने भाईचारे की? अच्छा, हाथ से पाप पकड़ने पड़ो तेरे बदल। एनडी सारा मैं एनडी नहीं पाया बजे, मैं सही है भाई, सही सही बात बताई। तो यहाँ देखा आपने हमारे साथ सिंघाना से ब्रह्मपाल थे, जिन्होंने बड़े विस्तार से हमारे से बात की, और मेरे को भी टिकट दिलाने का इन्होंने वादा किया कि अब मैं भी टिकट लेके आऊँ तो मेरे को भी क्या बना दोगे? एमएलए बना देंगे। एमएलए? हाँ। अच्छा, फिर उसके बाद गाड़ी गुड्डी कौन सी दुआ हो यही बता दें? गाड़ी मारी बुग्गी ले ले भाई, और क्या करेगा भाई, जितने एमएलए बना से बुग्गी भाई, बुग्गी भी समा हेलीकॉप्टर बिल्कुल चल लगी बात हो भाई, अब हमारे पास तो वही गाड़ी है। हाँ ठीक, हाँ उस पर तो बैठ ले, किसी ने बिठा ले मारी गाड़ी, सारे खतर दिन रहता हाजिर, बिना तेल की बिना पेट्रोल की। ड्राइवर तो चाहिए, ड्राइवर हम रहोगे, तनखा दवाइए। तो यहाँ आपने देखा ग्राउंड मीडिया के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे एक क्या चुनावी माहौल है गांव सिंघाना के अंदर। काफ़ी लोगों से हमने बात की, और एक भाई हमारे साथ जो बैठे हो मेरे को भी टिकट दिलाने की बात कर रहे हैं, और गाड़ी के नाम पर बुगी जोटा देने की बात कर रहे हैं ये। तो मैं आपको यह सारा जो विवरण विस्तार से हमने दिखाया ग्राउंड मीडिया से, मैं हरीश कपूर अपने कैमरामैन सहयोगी सुनील यादव के साथ।